हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक चाट की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। आज हम चुरमुर की चाट बनाने जा रहे हैं, जो कि थोड़ी सी चटपटी, तीखी और मसालेदार बनकर आती है। इसे बनाने के लिए हम सारी सामग्री इकट्ठी कर लेंगे। सामग्री इकट्ठी करने के बाद हम एक बड़ा बाउल लेंगे। बाउल लेने के बाद एक उबला आलू लेंगे और उसको पतले पतले टुकड़ों में काट लेंगे। इसे मैश नहीं करना और ना ही कद्दूकस करना है। इसे आप चाकू की सहायता से पतले पतले टुकड़ों में काटें। इसी तरह से सारे आलू को हम काट कर बाउल में डाल लेंगे। आलू हमारे कट कर तैयार है। अब इसके अंदर बची हुई सामग्री डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले बारीक कटे प्याज डालेंगे, ये मैंने 1/4 कप लिए हैं। साथ में आधा कप उबले हुए काले चने डालेंगे, साथ ही में 2 कटी हरी मिर्च, 1/4 कप बारीक कटी धनिया पत्ती। फिर हम इसके अंदर मसाले डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक, स्वाद अनुसार काला नमक, साथ में आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ी चम्मच भुना जीरा पाउडर, और इसे हल्के हाथ से मिला लेंगे। आलू को हमें बिल्कुल भी मैश नहीं करना है, इसलिए बिल्कुल हल्के हाथ से मिलाएं। मैंने यह चम्मच का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो हाथ की सहायता से भी मिला सकते हैं। अब इसके बाद हम तीखी हरी चटनी डालेंगे। इमली का पल्प डालेंगे 2 बड़ी चम्मच, और हरी चटनी भी मैंने 2 चम्मच ली है, और 1 बड़ी चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। और अब यहाँ पर 5 से 6 गोलगप्पे क्रश करके डालेंगे। आप इसकी जगह पपड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब कुछ डालने के बाद एक बार और फिर से अच्छी तरह से मिलाएंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से, और ज़्यादा देर ना मिलाए, सिर्फ आधा मिनट या 1 मिनट ही मिला के इन्हें तुरंत सर्व करें, नहीं तो आपकी पपड़ियाँ नरम पड़ सकती हैं। चाट हमारी बनकर तैयार है। इसे हम एक बाउल में सर्व करेंगे। सर्व करने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी बारीक सेव डालेंगे। ये डालना ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो इसे स्किप कीजिए। और साथ में थोड़ी सी कटी धनिया पत्ती, और हमारी चुरमुर चाट बनकर तैयार है। आप इसे शाम के नाश्ते में या चाय के साथ परोस सकते हैं, या इसे इसी तरह भी खाया जा सकता है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, चटपटी और खट्टी मीठी लगती है।